वैसे तो हर कोई ऑरेंज आइसक्रीम बना लेता है। ऑरेंज शरबत बनाकर हम फ्रीजर में रख देंगे तो तब भी कैंडी बन जाएगी, रसना बनाकर गिलासों में भरकर रखेंगे तब भी ऑरेंज कैंडी बन जाती है। पर हमेशा खाने के बाद हम बोलते हैं कि वो बात नहीं आई, बाजार वाली ऑरेंज कैंडी नहीं बनी। वो ऑरेंज कैंडी खा रहे तो हम होठों से खा रहे थे ना, कितनी सॉफ्ट थी ना, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए वही आज मैं परफेक्ट ऑरेंज कैंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे ना तो आप भी ये कैंडी होठों से खा पाएंगे, मतलब इतनी सॉफ्ट बनती है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम। अभी मैंने एक बर्तन में आधा लीटर पानी डाला है, पानी ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर का है, और इसमें हम 1/3 कप चीनी डालेंगे। ये मेरा मेजरिंग कप है, मैं हमेशा ये कप से चीनी बोलती हूँ, एक कप आधा कप बोलकर, पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स चाय पीने वाले कप से चीनी डाल देते हैं, रेसिपी बिगड़ जाती है, और उन्होंने मुझे बोला है कि आप चम्मच से चीनी डालिए। देखिए चम्मच भी इतने साइज के होते हैं, देखिए एक सबसे बड़ा है, बीच वाला उससे छोटा है और सबसे छोटा चम्मच है। चलिए आज मैं आपको बीच वाले चम्मच से चीनी नाप कर बताती हूँ। देखिए मैं आपके सामने नाप रही हूँ, वैसे 7 चम्मच चीनी हो गई है ये। आप 1 चम्मच कम या ज़्यादा कर लेंगे तो कैंडी तो बन जाएगी, फीकी या मीठी बनेगी। आप अंदाजे से चीनी डालना चाहते हैं तो इस तरह से मुट्ठी से 2 मुट्ठी चीनी डाल देंगे तब भी बराबर हो जाएगा। इसे गैस के मीडियम फ्लेम पर चीनी पिघलने तक पकाएंगे। चीनी के पिघलने तक हम इधर दूसरी तरफ कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, जो चम्मच बताए हैं ना उसमें से पहले नंबर का चम्मच। आप अगर बीच वाले चम्मच से डालना चाहें तो आपको 2 चम्मच आटा डालना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे, मतलब 4-5 चम्मच पानी डालेंगे। देखिए ये घोल बन गया है, इसे साइड में रख लेते हैं। देखिए चीनी तो पिघल गई है, अब इसमें मैं ये ऑरेंज एमल्शन डालूंगी। वैसे मार्केट से तो मैं ऑरेंज एसेंस बोलकर लाती हूँ, मिल जाता है। 1 चम्मच डालेंगे, आप इसमें 1 चम्मच से 1/4 चम्मच डाल सकते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। देखिए दोबारा से इसमें उबाल आ रहा है, हमने जो कॉर्नफ्लोर का आटा बना के रखा था उसे दोबारा से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1/4 कप उतना ऑरेंज सिरप डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसकी जगह आप ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास दोनों भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक उबाल आने देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे एक जग में निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, हम किसी भी ग्लास वगैरह में डालेंगे ना तो डालने में आसानी हो जाएगी। मेरे पास ये आइसक्रीम बनाने के सांचे हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके घर में जो भी छोटे ग्लास वगैरह होंगे या फिर यूज़ एंड थ्रो कप होंगे ना चाय पीने के, उसमें डालकर भी बना सकते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, बाज़ार वाला लुक आए बोलकर मैं ऐसे कर रही हूँ। 1/2 लीटर में परफेक्ट 6 कप ही भर गए हैं, मतलब ये बाज़ार में जो मिलती है ना कैंडी उतनी बनेगी ये। आप इसके ऊपर से इसका ढक्कन लगाकर भी रख सकते हैं, काफ़ी आसानी हो जाती है। पर बच्चे क्या करते हैं, कैंडी ख़त्म हो जाने के बाद इसे पीछे से कतर लेते हैं, मतलब चाप डालते हैं, और बड़े भूलकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। आइस कैंडी में आप इस तरह से इस कैंडी को लगा देंगे तो ये निकल जाएगी। पूरे काड़ियाँ डालकर आप ऊपर से एक प्लेट रखकर भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से प्लास्टिक से या फॉइल पेपर से आपको ढकना पड़ेगा। और इसको बीचों बीच में इस तरह से चाकू से थोड़े से होल कर लेंगे और सभी में ये स्टिक डाल देंगे। इसे फ्रीज़र में पूरी रात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और 15 से 18 घंटे रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये बन गए हमारे ऑरेंज आइस कैंडी। आइसक्रीम की काड़ियाँ ऊपर ही तैर रही थी ना, तो इसलिए मैंने एक प्लेट भी ढक दी थी ऊपर से। चलिए इसे निकाल लेते हैं। एक जग में रूम टेम्परेचर वाला पानी लेंगे और आइस कैंडी को पानी में इस तरह से डिप करेंगे और आराम से सबर के साथ खींचेंगे। बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर खींचातानी करेंगे तो काड़ी हाथ में रह जाएगी और कैंडी अंदर ही रह जाएगी। बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो इस तरह से निकल जाएगा। वैसे लग रही है ना परफेक्ट बाज़ार वाली आइस कैंडी। ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं और कैसी बनेगी ये मुझे फीडबैक देना ना भूलें। चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक अगली वीडियो में और एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।